नमस्ते कुमार भैया। नमस्ते दीदी, नमस्ते सभी को। तो कल हम लोग इस बात पर ध्यान दे रहे थे कि मानव के होने में मैं केंद्र में है। इस पर कल गणेश जी ने भी विस्तार से बात रखी थी, कई प्रश्नों को भी लिया गया था। परंतु मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, ये बात अगर अपने आप को स्पष्ट रूप से दिख रही है तो अच्छी बात है। तो मैं और शरीर के बीच अंतर को समझने के लिए एक उपयोगी विधि ये भी है कि हम अपनी इच्छाओं की सूची बनाएं, फिर देखें कि वो इच्छा किस पर्पज से जुड़ा हुआ है, उसका पर्पज क्या है, और फिर हम बांट बांट के देख सकते हैं कि वो मैं से जुड़ा है कि शरीर से जुड़ा है, सीधा सीधा किससे जुड़ा है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ रखा गया है, जैसे मनी पैसे की इच्छा है, तो पैसे का एक पर्पज हो सकता है फिजिकल फैसिलिटीज, क्योंकि आज के दिन हम लोग पैसे से ही एक्सचेंज करके अपने घर में सुविधाएं ला रहे हैं, तो घर के लिए भोजन कपड़ा मकान आदि की जो व्यवस्था कर रहे हैं हम लोग, तो पैसे का एक पर्पज है फिजिकल फैसिलिटी। अगर वो देखें तो बॉडी से जुड़ा हुआ है। परंतु यदि हमें लगता है पैसे से स्टेटस मिलता है तो वो सेल्फ से जुड़ा हुआ है। अगर लगता है कि पैसे से मेरी मेकिंग करेंगे, मौज मस्ती करेंगे, उससे अनुकूल संवेदना मिलेगी, उससे सुखी होंगे, तो फिर सेल्फ से जुड़ा है। वैसे एक उदाहरण है कि नेम एंड फेम की इच्छा हो रही है। अगर देखें तो पर्पज क्या है कि दूसरे का ध्यान पा पाए। अब ये अगर देखें तो अल्टीमेटली संबंध का मुद्दा है और सेल्फ से जुड़ता है, इससे शरीर का कोई उपकार नहीं होने वाला, बस है ना। तो इच्छा तो हर बार सेल्फ में होगी, परंतु पर्पज को देखने समझ में आता है कि सीधा सीधा किससे जुड़ा है। वैसे गुड फूड, अच्छा भोजन, अगर इसका पर्पज बॉडी का हेल्थ है तो शरीर से जुड़ा है, अगर टेस्ट है तो मैं से जुड़ा है। वैसे यदि कार की बात करें तो कार का एक पर्पज हो सकता है कि कहीं दूर आने जाने में जो शरीर की ऊर्जा का व्यय होता है उसको बचा सकते हैं, तो शरीर की ऊर्जा को बचाना दूर गमन के लिए, इसको देखें तो शरीर से जुड़ा है। परंतु यदि लगे कि इससे समाज में सम्मान मिलता है तो मैं से जुड़ा है। अगर ऐसा लगे कि इसको मैं बैठा हुआ जो अपना फोटो खींचता हूँ तो मैं दिखता अच्छा हूँ, है ना, आई लुक गुड, तो फिर मैं से जुड़ा है। वैसे पीस ऑफ माइंड, ऐसी कोई इच्छा अगर है तो सेल्फ से जुड़ा है। ऐसा हम बांट बांट कर अपनी इच्छाओं की एक सूची बना सकते हैं। ये सूची हम लोगों ने वर्कशॉप के दौरान भी बनाई थी। इस सूची को फिर भी अगर हम आगे बनाते चलें इससे हमारा उपकार ही होने वाला है, क्योंकि एक बार तो हमने उस एक्सरसाइज को किया था, परंतु उसके बाद भी कई सारी इच्छाएं बनेगी। यहाँ तो छोटी सी सूची बनी हुई है, उन सूची में से इच्छाओं को भी देख सकते हैं कि अल्टीमेटली ये मैं की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है या शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है। और मैं की आवश्यकता को भी जो मैं तय कर रहा हूँ वो समझ के आधार पर तय कर रहा हूँ या मानने के आधार पर तय कर रहा हूँ। तो पहले तो ये देखें कि मैं से जुड़ा है कि शरीर से जुड़ा है, फिर उसके आगे चलकर स्रोत को भी देख लेंगे, इसका स्रोत क्या है। बट इतना तो तय हो जाए इससे शरीर का क्या उपकार होने वाला है। अगर कभी भी लगे कि दोनों से जुड़ा है तो उसमें फिर हम देख सकते हैं क्या भाग है जो मैं से जुड़ा है, क्या भाग है जो शरीर से जुड़ा है। और यदि उस भाग को तय करने जाए तो उसमें पर्पज को समझना बनता है। तो इस प्रकार से हम अपना विस्तार में अध्ययन कर सकते हैं, है ना। ये इच्छाओं की सूची बनाना वैसे तो एक एलिमेंट्री काम है, परंतु इसको आगे भी अगर हम लाइफ में करते चलें तो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। दिन में भी कई बार हमारी कई प्रकार की इच्छाएं होती हैं और हम ये तय नहीं कर पाते कि ये मैथ से जुड़ा है कि शरीर से जुड़ा है। और फिर यदि मैं से भी जुड़ा है तो आगे तय नहीं कर पाते कि इसका स्रोत क्या है। तो इसको अपने आप में हम देखते चलें। अभी सुख के तीन स्रोत दिखाई देते हैं, एक तो शरीर से मिलने वाली संवेदना, दूसरा दूसरे से मिलने वाला भाव, और तीसरा स्वयं में सही समझ सही भाव। तो यदि हमारे में सही समझ होता है तो सही भाव सुनिश्चित होता है, उससे हमारा सुख बना रहता है। अदरवाइज हम दूसरे से मिलने वाला भाव या शरीर से मिलने वाली संवेदना, इस पर निर्भर बने रहते हैं अपनी मान्यता के आधार पर। तो जो निरंतर सुख का आधार है वो तो स्वयं में सही समझ सही भाव ही है, परंतु यदि बात हमें न समझ में आए तो हम बाहर से कुछ पाकर सुखी होने में लगे रहते हैं। तो ये जो वेरिएशन है इसलिए है क्योंकि हमने जाना नहीं है, अभी मान कर चल रहे हैं, और मानने में इसमें पूरा वेरिएशन है। तो शरीर से मिलने वाली संवेदना को लेकर पूरा वेरिएशन है, दूसरे से मिलने वाले भाव के लिए जो प्रयास है उसमें पूरा वेरिएशन है,
वेरिएशन कहाँ नहीं है तो समय सही समझ सही भाव में वेरिएशन नहीं है, बट वहां तक वही पहुंच नहीं पाते हैं। तो उसको अगर समाज से और पहले हम परिवार और परिवार से और पहले अगर स्वयं पे ध्यान दें तो दिखता है कि अभी हमें भी हो सकता है समझ की पूर्णता ना हो, तो हम भी भिन्न भिन्न अवसरों पर सुख के लिए भिन्न भिन्न तरीके से प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस क्षण में हमको वही सुख लगता है, अभी वहां पे सुख क्या है हमको दिखता नहीं, हमको वही सुख लगता है। जब वही सुख लगता है तो उसके लिए प्रयास करते हैं। ऐसा ही दूसरा व्यक्ति भी है, तो चाहने में सब एक है, सभी सुखी होना चाहते हैं, दूसरे को सुखी करना चाहते हैं, परंतु सुख का जो निश्चित स्रोत है उसका भी ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, इसलिए उसके आधार पर भाव भी सुनिश्चित नहीं हुआ है। इसलिए सुखी होने के लिए या दुख से बचने के लिए अभी कई प्रकार से हम प्रयास कर रहे हैं, यही हमारे साथ भी है, यही दूसरे के साथ भी है। देखिए ये जो आस्वादन करने की क्रिया हो रही है ना मुझमें, उसी को मन कहा। तो ये जो जैसे शरीर से अनुकूल संवेदना मिल जाए जिसका मैं आस्वादन करके सुखी हो जाऊं, तो ये जो आस्वादन करने वाला आयाम है उसी को मन कह रहे हैं। वैसे दूसरे से कोई अनुकूल भाव मिल जाए वो भी मुझे शरीर के माध्यम से ही मुझ तक पहुंचता है, तो वहां पर भी हम आस्वादन करते हैं, भाव का आस्वादन करते हैं, कभी संवेदना का आस्वादन करते हैं, कोई बात समझ में आती तो उसका भी आस्वादन होता है। तो जो आस्वादन करने की क्रिया हो रही है उसी को मन कहा। वहीं पे चयन करने की भी क्रिया हो रही है कि पर्टिकुलर आस्वादन के लिए हम कुछ चयन करते हैं, हम चुनते हैं क्या प्रयोग करें सुविधा के रूप में, कैसे लोगों से व्यवहार करें, कैसे संबंध रखें, है ना, इसका भी हम चयन करते हैं। मन सेल्फ का एक आयाम, एक बल कह लीजिए, आयाम कह लीजिए, सेल्फ में ही है, आप में ही है, मन कहाँ है, आप में ही है। तो मस्तिष्क और मन दो अलग अलग चीजें हैं, तो मन तो आप में है, मस्तिष्क शरीर में है, निश्चित भाव को जो हमें सहज रूप से स्वीकार है उसको समझने का है, उसको सुनिश्चित करने का है। तो जब हमारे अंदर सही भाव सुनिश्चित होता है तो उसके आधार पर जो हमारे अंदर चयन होता है सुविधाओं को लेकर, संवेदना को लेकर, है ना, दूसरे के साथ संबंध को लेकर, वो निश्चित बना रहता है, तो फिर मन में सुख बना रहता है। अगर वो सही भाव हमारे में सुनिश्चित नहीं होता तो मन में उथल पुथल रहता है, यानी हम कभी एक तरह के स्वाद की आशा करते हैं, कभी दूसरे प्रकार की स्वाद की आशा करते हैं, और ऐसा उथल पुथल चलता रहता है। तो मन में जो निश्चितता है यानी जो आस्वादन की निश्चितता है वो सही समझ सही भाव के आधार पर हो पाता है, उससे कम में उसमें उथल पुथल लगा रहता है। तो सुख तो मन में होता है, ये तो बात ठीक है, ये कहना तो ठीक है, सुख मन में है, परंतु निरंतर सुख का आधार क्या होगा? और मन सुखी तो मैं सुखी, तो इनफैक्ट ज्यादा ठीक है कहना ये कि मुझमें सही समझ होती है तो मन में सुख की निरंतरता, अन्यथा ये बाहर से कुछ पाकर हम मन को सुखी करने का प्रयास तो करते रहते हैं परंतु उसमें न तो निश्चितता होती है न निरंतरता होती है, बाहर पे एक निर्भरता भी होती है, इससे हम परतंत्र बने रहते हैं। देखिए ये बात तो ठीक है कि बीट द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड, एंड उसके आगे अगर कहें तो कॉम्प्लीमेंट दी अदर इन चेंजिंग ऑल्सो, तो दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करना है चेंज होने में, और चेंज क्या होना है वो भी तय होना है। तो अल्टीमेटली देखें तो चेंज का मतलब इतना ही हुआ जो हमको नेचुरली एक्सेप्टेबल है, कि अभी हमारे अंदर बहुत सारा भाव बना रहता है, उसमें से कुछ भाव हमको सहज रूप से स्वीकार होता है, शेष स्वीकार नहीं होता है। तो जो सहज स्वीकृत भाव है वो मुझ में स्थापित हो जाए, यही चेंज होना है ना, यही हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है। ये तभी हो पाता है जब हमको भाव समझ में आता है, व्यवस्था समझ में आती है, सहस्तित्व का अनुभव हो पाता है, तो उसकी पूर्णता भी होती है, निरंतरता भी होती है। तो हम अपने अंदर तो ये काम करेंगे, और ये जो हम अपने अंदर काम कर रहे हैं इसी को दूसरे को करने में सहयोग भी करेंगे। तो हमको आइसोलेशन में अपने आप में चेंज लाना ऐसा नहीं, हम तो हर क्षण दूसरे के साथ संबंध में जुड़े हुए हैं, परस्परता में निर्वाह कर ही रहे हैं, तो हम अपने आप में भी काम करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, और दूसरे को भी ट्रांसफॉर्म करने में कॉम्प्लीमेंट करेंगे, पूरकता के साथ उसके साथ निर्वाह करेंगे ताकि वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए। तो दूसरा व्यक्ति हमारे साथ कंफर्टेबल हो जाए वो तो ठीक है ना, परंतु उस कंफर्ट के साथ उसके अंदर अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन करने की इच्छा बन रही है कि नहीं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। तो उसको हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे, उसको हम इंश्योर करेंगे, उसमें हम हेल्प एंड सपोर्ट करेंगे, वो काम अगर हम छोड़ दें तो कठिनाई है। दूसरी बात हम ये भी देख लें कि कई बार जो हम ये चेंज की बात करते हैं ना, तो वो हम भाव के स्तर पर ट्रांसफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, या हम निर्वाह में ही कुछ हमने चेंज ला दिया है ना, जैसे कोई काम करना ऑफिस में और हमने कह दिया ठीक है भाई आप मत करिए हम कर लेते हैं, तो हमने दूसरे व्यक्ति का काम कर लिया, ठीक, तो दूसरे को दिखता है कि इसमें चेंज आ गया, हमें भी चेंज आ गया, बट इससे ना तो हमारे अंदर सही भाव सुनिश्चित हुआ ना अगले के अंदर,
तो जब तक वहां तक हम अपने आप में भी प्रयास नहीं करते और दूसरे के लिए प्रयास नहीं करते, तब तक वो सस्टेनेबल होगा भी नहीं। फिर हम अपने आप में मतलब परेशान होंगे उस काम को करते हुए, और दूसरा भले अभी आराम पा रहा है परंतु क्योंकि उसमें भी सही समझ नहीं सुनिश्चित हो रही, सही भाव नहीं सुनिश्चित हो रहा, तो आज नहीं तो कल वो भी परेशान होगा। तो मौलिक रूप से जो अपने के ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जिसमें हम लोग आगे भी बात करेंगे, तो समझ और भाव के स्तर पे करना है। निर्वाह उसके आधार पर अपने आप तय होता रहेगा। अभी ये जो हम चेंज लाने जाते हैं ना समाज में या परिवार में, और उसको एक्सप्रेशन के लाने पर जाते हैं, तो वहां पे वो सस्टेनेबिलिटी नहीं होती, कंटिन्यूटी नहीं होती, और फिर वो कठिनाई बन जाती है। बहुत सारे प्रोवर्ब्स हम सुनते हैं, बट ज्यादा अच्छा होगा ना कि अगर हम मूल रूप से समझ पे काम करें, भाव पे काम करें, तो उनका अर्थ भी समझ में आता है। देखिए, स्वाद तो आप लेते हैं, है ना, ब्रेन में तो कुछ फिजियोकेमिकल हो रहा है। इतना जरूर है कि उस फिजियोकेमिकल के होने से आप में वो स्वाद ट्रिगर होता है, या जब आप में स्वाद का चयन होता है तो फिजियोकेमिकल चीजें ट्रिगर होती हैं। तो शरीर तो फिजियोकेमिकल इकाई है, ब्रेन भी एक फिजियोकेमिकल इकाई है, ठीक। तो जितना कुछ भी ब्रेन में होना है वो फिजियोकेमिकल ही होगा। एक दूसरे को ट्रिगर करने में या इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में रोल है, इतना तो ठीक है। तो सामने जैसे रसगुल्ला आया तो उसका दृश्य आंख में बना, आंख से संवेदना मस्तिष्क तक, ब्रेन तक पहुंचा, ब्रेन से आप तक पहुंचा, आप में उस आस्वादन की स्वीकृति बनी हुई है कि रसगुल्ला मिले तो खाना है। फिर जो आपके अंदर उसकी स्वीकृति बनी हुई है, तो फिर वो ब्रेन तक सूचना जाती है कि लिया जा सकता है। फिर उसके बाद जीभ में लार निकलने लगता है, मुंह में लार निकलने लगता है। अब ये सब इतनी तेज गति से होता है कि हमको लगता है कि सारा कुछ ब्रेन ने ही कर दिया, तो ऐसा नहीं है। अगर उसी रसगुल्ले पे कभी उदाहरण के लिए खाते हुए किसी ने टोक दिया था, अपमानित कर दिया था, फॉर एग्जाम्पल कोई कह दे कि अरे भाई मुफ्त में मिल रहा है तो अब खाए जा रहे हो, अब वो घटना में याद आ गई रसगुल्ले को देखकर, अब वो मुंह में लार नहीं आएगा। इसको बिल्कुल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यदि वहां पे भाव हमारा बदल गया तो मुंह में लार नहीं आएगा, ताकि उससे हम आंखें भी फेर लें और फिर हमारे अंदर कल्पनाशीलता में वो घटना फिर से उसकी पुनरावृत्ति हो जाए, उसको याद करने लगे। तो ये इतनी जल्दी ये सूचना का आदान प्रदान हो जाता है, और उसमें हमारा जो चयन पहले से बैठा हुआ है मन में या आशा में, ठीक है ना, वो ट्रिगर हो जाता है कि हमको पता भी नहीं चलता। बट इसको आप दो घटनाओं को अगर आपस में कंपेयर करें तो साफ साफ पता लगेगा। तो आस्वादन तो हमारे अंदर बैठा हुआ था, उसके आधार पर पहले वो शरीर पे एक प्रभाव पड़ा और मुंह में लार बना, परंतु दूसरी स्थिति में एक भाव का आस्वादन बैठा हुआ था जो ज्यादा हावी था। तो जो रसगुल्ले का स्वाद का भाव है उससे जो अपमान का भाव है ज्यादा हावी था, इसलिए वो ट्रिगर नहीं हुआ। तो इस बार रसगुल्ले को देखकर शरीर में वो क्रिया नहीं हुई जो पहले हो रही थी। देखिए, इसमें दोनों का ही रोल रहता है याद आने में। तो बात इतनी है कि जितना फिजियोकेमिकल होना है वो शरीर में होगा, ब्रेन में होगा, ठीक, और जो चैतन्य रूप में होना है वो आप में होगा। तो किसी चीज के याद आने में आपका जो ब्रेन का स्वास्थ्य है वो भी महत्वपूर्ण है, और आप में जो क्रिया हो रही है वो भी महत्वपूर्ण है। जैसे ब्रेन तो स्वस्थ है, ठीक है ना, परंतु आपने उधर ध्यान ही नहीं दिया। तो सामने चार चीजें हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी मार्केट में गए, स्टॉल लगे हुए हैं, चार तरह के स्टॉल लगे हुए हैं। तो जो हमारे अंदर स्वीकृति है कि जो चीज हमें लेनी है उस स्टॉल पे हमने ध्यान दिया, बाकी पे ध्यान ही नहीं दिया। तो अगली बार वही स्टॉल जब सामने आएगा तो कोई याद नहीं आएगा। तो हमने ध्यान अगर नहीं दिया और मस्तिष्क हमारा स्वस्थ है तो भी याद नहीं आएगा। हमने ध्यान दिया था परंतु अब मस्तिष्क अस्वस्थ है, उतना स्वस्थ नहीं है। तो जो सूचना का आदान प्रदान पहले जिस तेज गति से हो रहा था उतनी तेज गति से नहीं हो पा रहा, तो ट्रिगर नहीं हो रहा, तो याद नहीं आ रहा। आप पाएंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मस्तिष्क का थोड़ा स्वस्थ घटने लगता है, एक उम्र के बाद रिकलेक्ट करना, याद करना मुश्किल पड़ता है। परंतु बचपन में अगर आप ध्यान दें, तो यदि हमने किसी मुद्दे पर ध्यान ही नहीं दिया तो बात अभी याद नहीं आती। जैसे बचपन में हमको 100 बातें सिखाई गई होंगी, कोई बात हमको याद आ गई और ध्यान में बनी रहती है, कई बातें जो याद नहीं आती। कुछ घटनाएं जो याद आती रहती हैं, कुछ घटनाएं जो कभी याद नहीं आती, कोई बहुत शेयर करे तो भी याद नहीं आती क्योंकि हम उधर ध्यान ही नहीं दिए थे। तो देखिए, वो जो मेधस में जितना कुछ हो रहा है ना, उसमें तो परिवर्तन हो ही सकता है। कि जैसे मैं कभी गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया, जैसे कोमा की स्थिति बन गई आदि आदि, है ना, या मेधस में कोई चोट लग गया, तो ये हो सकता है कि वो जो ट्रिगरिंग हो रहा था मेधस में, ठीक, आंखों में रूप बनने के आधार पर, वो अब उस तरह से नहीं हो रहा, क्योंकि फिजियोकेमिकल चेंजेस तो पॉसिबल है। आपके अंदर भी देखें तो बेसिकली जो आशा है वो तो सुखी होने की है, और जो हमारे अंदर मेमोरी है उस बात की है कि स्वास्थ्य सुखी हुआ जा सकता है, वो भी बदल सकता है। जैसे अभी मुझको बात समझ में आ जाए और दिख जाए कि भाई रसगुल्ले के स्वाद से जो सुख होने वाला है उसकी निश्चितता नहीं है, निरंतरता नहीं, तो अभी पहले जो ट्रिगर कर रहा था रसगुल्ले का दृश्य, अब वो ट्रिगर नहीं करेगा,
क्योंकि हमने अर्थ बदल दिया वहां पे, अब वो भाव बदल गया हमारा उसी दृश्य के प्रति, अब हमारा अर्थ बदल गया। तो सेल्फ में भी ये परिवर्तन पॉसिबल है और ब्रेन में भी ये परिवर्तन पॉसिबल है, बट इतना निश्चित है कि ब्रेन में जो होगा फिजियो केमिकल होगा, मुझ में जो होगा वो चैतन्य रूप में होगा, उसमें कोई भाव कोई अर्थ शामिल होगा, कोई विश्लेषण शामिल होगा। ब्रेन में जो है ना सिग्नल्स आ रहे हैं उसमें जो कुछ घटना बढ़ना है उतना ही शामिल होगा। तो ये हमें दिखाई देता है कि मानव शरीर और मैं के सहअस्तित्व के रूप में है, मैं जो चैतन्य है कि दृष्टा है कर्ता है भोक्ता है, और मैं ही मानव के एक मानव के रूप में मैं होने में केंद्र में हूँ, यानी जो चैतन्य है वो मानव के होने के केंद्र में है। मैं की आवश्यकता है निरंतर सुख, और मैं के सुख के लिए निश्चित कार्यक्रम है कि व्यवस्था को संगीत को समझना, व्यवस्था संगीत में जीना, और ये पूरा फैलाव है जीने का हमारा। सुविधा का उत्पादन करना यानी संवर्धन करना, संरक्षण करना और सदुपयोग करना, संवर्धन की जगह संरक्षण इसको कर सकते हैं। उत्पादन करना, संरक्षण करना, सदुपयोग करना मेरे कार्यक्रम का एक छोटा भाग है, शरीर साधन मात्र है मेरा, ये बात हमें दिखाई दे सकती है। और मेरे और शरीर के बीच सिर्फ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, इतनी बात हम लोगों ने इस पार्ट में किया था, है ना। इस पे हम लोगों ने कई सारे असाइनमेंट्स भी लिए, काफी फैलाकर और काफी गहराई में भी इसको देखने का प्रयास किया, परंतु लौट लौट के आते रहेंगे। अभ्यास एक में हम इस चैतन्य को और बारीकी से देखने का प्रयास करेंगे, और अभ्यास दो में चैतन्य और जड़ यानी मैं और शरीर के अस्तित्व को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये उसका एक तरह से हम लोगों ने भूमि तैयार की है उस चर्चा के लिए, आगे उसमें हम लोग गंभीरता से और बात करेंगे। दिमाग और मन, इस पे जो पहले भी बात हुई थी ना, दिमाग कोई मस्तिष्क कहते हैं, मेधा कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, मन देखें तो मेरा ही एक डायमेंशन है। जैसे जहाँ पे आस्वादन हो रहा है उसको मन का, जैसे ये जो एक्सपेक्टेशन लिखा हुआ है ना, ये जो मेरे अंदर एक्सपेक्ट करने का बल है उसी को मन कहते हैं, तो ये मेरा एक डायमेंशन है। तो मन मुझ में है, मेधस या ब्रेन या मस्तिष्क शरीर में है। तो मैं जब शरीर से सूचना का आदान प्रदान करता हूँ, ये जो अगर देखे तो बाई तरफ ये जो एरो बना हुआ है, तो ब्रेन शरीर का वो भाग है जो मेरे साथ सूचना का आदान प्रदान करता है, और मन वो भाग है मेरा जो सूचना का आदान प्रदान करता है। तो मेरे और शरीर के बीच में जब सूचना का आदान प्रदान होता है, तो मन व्यायाम है जहां से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, और ब्रेन व्यायाम है शरीर का जहां से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। तो कई बार ये मन और मस्तिष्क आपस में इस तरह से जुड़कर काम कर रहे होते हैं इस आदान प्रदान में, कि हमको दोनों एक ही लगने लगते हैं। परंतु अभी भी आप देखिए तो कई बार भाषा में हम बोलते भी हैं कि मन मस्तिष्क, यानी मन और मस्तिष्क को अलग अलग तो रखते हैं, तो कभी लिखते भी हैं तो मन डैश मस्तिष्क लिखते हैं, यानी मन एक चीज है मस्तिष्क एक अलग चीज है। मन ऑब्लिक मस्तिष्क नहीं लिखते हैं कि मन या मस्तिष्क, नहीं, मन और मस्तिष्क। तो मन मुझ में है, मस्तिष्क शरीर में है। तो कहाँ प्रभाव हो रहा है, मन में प्रभाव हो रहा है, मस्तिष्क में प्रभाव हो रहा है, इसको देख सकते हैं। देखिए ऑब्जर्वेशन को ठीक से देखें तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ऑब्जर्वेशन यदि हम किसी मान्यता या संवेदना को हटाकर प्योर ऑब्जर्वर के रूप में ऑब्जर्व करने जाए, तब तो ये जो वन और टू लिखा हुआ है ना वहां से हो रहा है एज ए प्योर ऑब्जर्वर। परंतु यदि मैं अपनी कल्पनाशीलता को ही देख रहा हूँ और उसी में घूम रहा हूँ, तो ये कल्पनाशीलता की कोई क्रिया है। तो ऑब्जर्व तो हम कर रहे हैं, परंतु क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इससे तय हुआ कि हमारा कौन सा आयाम एक्टिव है। जैसे कोई शरीर से संवेदना मिल रही है, ठीक है ना, उस संवेदना को भी हम पढ़ते हैं, अगर इसको भी ऑब्जर्वेशन कहें तो मन के स्तर पर यानी एक्सपेक्टेशन के स्तर पर हो रहा है। परंतु इस बात को मैं ऑब्जर्व करने जाता हूँ जब कि जो संवेदना मिल रही है ये मेरे सुख की निरंतरता का आधार नहीं हो सकता, तो फिर मैं ऊपर के आयाम से कर रहा हूँ, वन या टू से कर रहा हूँ, वन और टू से कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं उसका सिंपली विश्लेषण कर रहा हूँ कि जो संवेदना मिली इससे जो सुख मिला ये निरंतर रहा कि नहीं रहा, ये थॉट लेवल पे हो रहा है। यदि प्योर ऑब्जर्वर की बात करें तो ब्लॉक B1 की तरफ से हो रहा है, परंतु यदि प्योर ऑब्जर्वर की तरह नहीं कर रहे हैं, कहीं एनालिसिस कर रहे हैं, सेलेक्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग कर रहे हैं, या उसको लेकर कुछ इमेजिंग कर रहे हैं, तो वो भिन्न भिन्न क्रियाओं से जुड़ा हुआ है। डिजायर के लेवल पे भी हो सकता है, थॉट के लेवल पे हो सकता है, एक्सपेक्टेशन के लेवल पे हो सकता है। पर यदि प्योर ऑब्जर्वर की जब बात करते हैं ना, ये सारी सूचनाओं को हम एक तरफ रख देते हैं, ठीक, वस्तु को जैसा है वैसा देखने का प्रयास करते हैं। तो चैतन्य को चैतन्य की तरह, जड़ को जड़ की तरह, उसमें ना तो कोई हम सूचना मिला रहे हैं, ना तो कोई हम उसमें मान्यता मिला रहे हैं,
जैसा है वैसा देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये काम तो अनुभव के आयाम से यानी कि 1 और 2 से हो रहा है, बाकी काम जो है विचार के आयाम से हो रहा है, 3, 4, 5 जिसमें शामिल है, इसमें इच्छा विचार आशा शामिल है। अभी हमारी स्थिति कैसी है अगर हम उसका अप्रेजल कर रहे हैं तो कल्पनाशीलता में ही हो रहा है ना? क्या भाव बना जो सहज स्वीकृत नहीं था, ये फिर हम कल्पनाशीलता में ही कर रहे हैं। खास तौर पे देखें तो हम विश्लेषण कर रहे होते हैं, ठीक, तो ये तो विचार में ही चल रहा है। सहज स्वीकृत भाव को जब देखने जाते हैं तो वो 1 और 2 से होता है, या फिर ये जब पूरे डायग्राम को ओपन करेंगे तो दिखाई देगा कि चिंतन की क्रिया से हो रहा है जो 3 के लेवल पे है। तो जो सहज स्वीकृति है उसका पता चलना तो चिंतन से होता है, बट उसको हम कहां सामान्य रूप से देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। हम सहज स्वीकृत भाव को न देखकर जो सहज स्वीकृत भाव के अभाव में जो स्थितियां बनी हुई है उसको देखते हैं और अपने अंदर एक आशा बना के रखते हैं कि जब सहज स्वीकृत भाव हमको स्पष्ट हो जाएगा तो स्थिति नहीं रहेगी, इतना ही बार कर रहे होते हैं आमतौर पे कि काश मेरा भाव ठीक होता है ना, ये भाव मुझे दिख जाता, मुझे दूसरे की चाहना पर शंका नहीं होती, मुझे शरीर के साथ सहज तो समझ में आ जाता। तो इसको हम एक आशा बनाए रखते हैं कि ऐसा हो जाता तो ये सब गड़बड़ियां नहीं होती, ये सब उथल पुथल नहीं चलता, ये सब विश्लेषण में झंझट नहीं होता, एक आशा बना के रखते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि हमारे चित्रण में कुछ बैठा हुआ है, इच्छा के अवसर पर कुछ बैठा हुआ है, उस वो विचार को ट्रिगर कर रहा है, उसे कुछ आशा बनी हुई है, अब वो पूरी नहीं हो रही है, तो फिर हम ऊपर जा रहे हैं विश्लेषण कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा। फिर कहीं से प्रस्ताव मिला है कि सहज स्वीकृति तो ये है, तो हमको फिर ध्यान आता है कि चूंकि ये सहज स्वीकृति हमारी भिन्न है इससे जो मेरे अंदर चल रहा है, इसलिए मैं सुखी नहीं हो रहा, परंतु इच्छा के स्तर पर अभी भी काम नहीं हो रहा। तो ये हमारे अंदर देखेंगे तो 4 और 5 के लेवल पर बहुत सारा प्रयास होता है, इसलिए इसमें बहुत सारा श्रम लगता है, बहुत सारी थकावट होती है ना, उस थकावट के कारण हम आहत भी होते हैं कई बार, कभी कभी आराम भी पाते हैं विचार अगर पूरा हो जाए। तो ये बहुत सारा कुछ हमारे अंदर 4 और 5 लेवल पर चल रहा होता है। ये नंबर 3 पे जो लिखा है ना डिजायर, इस पे भी काम करने में अपने काफी समय लग जाता है कि हमको कम से कम अपना डिजायर ही स्पष्ट हो जाए। अभी हमको अपना डिजायर भी स्पष्ट नहीं होता, जैसे अभी हमको कहाँ स्पष्ट होता है कि बेसिकली मैं सुखी होना चाहता हूँ, ठीक। तो अभी हम डिजायर भी जो बनाते रहते हैं वो एक तरह से देखें तो सुखी तो होना चाहते हैं तो हमारे में है, परंतु सुख क्या है उसको लेकर हमारे को अंदर कुछ मान्यता बनी हुई है, उस मान्यता को पूरा करने के लिए विचार कर रहे होते हैं, उस विचार के आधार पर आशा कर रहे होते हैं और अभी ऐसे ही चल रहा होता है। तो बेसिकली हम सुखी होना चाहते हैं, सुख क्या है अगर हमको स्पष्ट ना हो तो हम बहुत सारी मान्यताओं से जोड़कर उसको देखते हैं और फिर मान्यताओं को पूरा करने के लिए विचार करते रहते हैं, तभी ऐसा ही चल रहा होता है। तो जो पहले ही बात हो रही थी कि अभी क्या हुआ, हर व्यक्ति अपने आप से सुख को कुछ ना कुछ माना हुआ है, कोई संवेदना को सुख माना हुआ है, कोई किसी मान्यता को पूरा करना सुख माना हुआ है और उसको लेकर हम इच्छाएं करते रहते हैं। तो मूल इच्छा तो हमारी है कि हम निरंतर सुखी हो, बट वो हमको खुद भी ध्यान नहीं रहता, तो बहुत सारी उप इच्छाएं बनाते हैं, सब डिजायर्स बनाते हैं कि ये स्वाद मिल जाए, दूसरे का ध्यान मिल जाए, ये तारीफ मिल जाए, ऐसा प्लेसमेंट हो जाए समाज में, परिवार में, ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये सब बहुत सारे हमारे सब डिजायर्स बन रहे थे, उसको लेकर हम विचार कर रहे होते हैं और हमको एक बार विचार में हम इतने रम जाते हैं, खो जाते हैं कि वो सब डिजायर भी हम भूल जाते हैं बेसिकली इसको लेकर चल रहा है, क्योंकि उस सब डिजायर को पूरा होने में जो कठिनाइयां आ रही है उसको लेकर हम एनालिसिस शुरू कर देते हैं, उसको लेकर हम विश्लेषण शुरू कर देते हैं, ऐसा चलता रहता है। काम तो इतना ही है कि जो सहज स्वीकृति है हमारे अंदर जिन भावों की, उन भावों को देखना शुरू करें, वहीं से काम शुरू होगा जो एक्सरसाइज 1 में करने वाले। तो पहले तो भाव के प्रति सजग हो कि भाव चल क्या रहा है, क्या भाव बना हुआ है, फिर देखें उसके बारे में कि भाव हमको सहज से स्वीकार है कि नहीं, सुखद है कि नहीं, फिर आगे चल के देखें कि अगर ये भाव हमको सहज से स्वीकार नहीं है, सुखद नहीं है, तो क्या भाव है जो सहज स्वीकार है, जो सुखद है, जिसके आधार पर सुख की निरंतरता हो सकती है, उसको देखेंगे। तो अभी तो जो चल रहा है उसका हम लोगों ने थोड़ा सा आकलन किया कि अभी ऐसा चल रहा है, उससे जो शिफ्टिंग मिलती है वो तभी मिलती है जब हम अपनी सहज स्वीकृति को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। उसको हम लोग अभ्यास 1 और 2 में जो कर रहे हैं ना, अभ्यास 1 में मूल रूप से भाव को देखने का जो अभ्यास कर रहे हैं वहां से शिफ्टिंग शुरू होती है। अभ्यास 2 में दिखाई देता है कि जो शरीर से आने वाली संवेदना है उसको जब मैं अर्थ देता हूँ वहां भी कोई ना कोई भाव जुटता है, उसको भी ऑब्जर्व करते हैं तो उससे और क्लैरिटी बनती है। आप पाएंगे कि ज्यादातर समय तो हम विचारों में घूम रहे होते हैं,
विचार यहाँ से वहां, वहां से यहाँ दौड़ रहे होते हैं, हम जैसे पीछे पीछे दौड़ रहे होते हैं ऐसा लगता है, तो विचार हमको घुमा रहे होते हैं। ठीक, आप थोड़ा सा रुक के पूछिए कि इस विचार का प्रयोजन क्या है, विचार में क्यों कर रही हूँ, तो इच्छा का पता चलता है कि इच्छा में क्या बना हुआ है। सेल्फ मतलब आप, मैं, है ना? तो मैं जो हूँ शरीर से ब्रेन के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ, ब्रेन के माध्यम से ही सूचना का आदान प्रदान कर रहा हूँ। तो ये जो अगर बाई तरफ देखें तो मैं शरीर के जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रहा है, तो बॉडी का ब्रेन है जहां से सूचना का आदान प्रदान हो रहा है। मेरा हिस्सा अगर देखें, मेरा जो आयाम है वो आशा है, इसको मन कह रहे थे, या जहाँ पे चयन आस्वादन हो रहा है। तो मैं शरीर से जुड़ता हूँ ब्रेन के माध्यम से, तो कोई अंग कटफट जाता है तो मेरे जुड़ाव पे प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि यदि ब्रेन में चोट लग जाती है, ब्रेन डेड हो जाता है, तो फिर जुड़ाव नहीं बन पाता। आज के असाइनमेंट के लिए तो हम लोग अपने ऊपर ही और ध्यान दें, आज काफी सारी चर्चा हुई, तो एक तो ये देखें कि मेरे अंदर इमेजिनेशन चल रहा है कि नहीं। ठीक, ये देखें कि मेरे अंदर इच्छा विचार आशा ये क्रियाएं हो रही है कि नहीं, कभी कभी हो रही है, निरंतर हो रही है, और शरीर में क्या हो रहा है और मुझ में क्या हो रहा है, ये कल्पनाशीलता मुझ में हो रही है या शरीर में हो रही है, यदि मुझ में हो रही है तो शरीर में क्या हो रहा है ना। तो अपने अंदर कल्पनाशीलता को देखने का और शरीर के साथ आदान प्रदान को देखने का हम लोग अभ्यास करेंगे। इस अभ्यास को तो हम लोग और आगे बढ़ाएंगे जब अभ्यास एक में कल्पनाशीलता पे और ध्यान देंगे, और अभ्यास दो में शरीर के साथ होने वाले आदान प्रदान पे और हम लोग बारीकी से अध्ययन करेंगे, तो उसको हम लोग अभी शुरुआत करेंगे और उसको आगे लेके चलेंगे। तो आज के लिए असाइनमेंट के रूप में इतना ही है। सभी को धन्यवाद, सभी को नमस्ते।